मरकजी सरकार ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ताकत बढ़ाने वाला एक फैसला लिया। फैसले के तहत अब बीएसएफ आलमी सरहद के 50 किलोमीटर के दायरे में मुश्तबा को गिरफ्तार करने के साथ ही हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने वाला फैसला कांग्रेस को पसंद नहीं आया है। कांग्रेस ने इसे वफाकी ढांचे पर हमला बताया, जबकि अकाली दल ने इसे इमरजेंसी से जोड़ दिया। लेकिन पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले की तारीफ की है। तो अब बीएसएफ के हुकूक के दायरे को बढ़ा दिया है मरकजी हुकूमत ने एक फैसला करके। अब बीएसएफ सरहद के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे तक छापेमारी कर सकती है और मुश्तबा को अरेस्ट भी कर सकती है और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ कर सकती है। लेकिन इस फैसले को कांग्रेस और अकाली दल ने पसंद नहीं किया है। मुल्क की सरहद में कोई गैर कानूनी तरीके से दरअंदाजी ना कर सके, इसकी निगरानी का जिम्मा बीएसएफ के पास है। पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की सरहद से कोई ड्रग्स या हथियारों की स्मगलिंग ना कर पाए, इसे रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ के शानों पर ही है। तस्करों और दरअंदाजों पर नकेल कसने के लिए वजारत दाखला ने बीएसएफ की ताकतों को बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ बैनुल अक्वामी सरहद के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे में छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है। वजारत दाखला का ये फैसला भारत पाकिस्तान सरहद और भारत बांग्लादेश सरहद पर नाफिज होगा। इसका मतलब है कि बीएसएफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मगरबी बंगाल और असम में सरहद से 50 किलोमीटर के दायरे में छापेमारी और गिरफ्तारी कर सकती है। इससे पहले बीएसएफ के पास सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में ही गिरफ्तारी और छापेमारी का हक था। अभी तक गुजरात में बीएसएफ के लिए ये हक 80 किलोमीटर था, जो अब घटकर 50 किलोमीटर हो गया है। 5 शुमाल मशरकी रियासतों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए दायरा घटाकर 80 से 20 किलोमीटर कर दिया गया है। वजारत दाखला के इस फैसले से बीएसएफ को ड्रग्स, हथियारों की तस्करी के साथ साथ दहशतगर्दों की दरअंदाजी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला ने बीएसएफ की ताकतों को क्यों बढ़ाया है, उसकी वजह भी समझ लीजिए। पिछले कुछ वक्त से सरहद पार से ड्रोन से हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। तस्करों को पता होता था कि बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर है, इसीलिए ड्रोन से डिलीवरी 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर की जाती थी, ताकि बीएसएफ कार्रवाई ना कर सके। सरहद पर बीएसएफ जब भी किसी को पकड़ती थी और अगर उसका साथी या जांच से जुड़ा लिंक 15 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, तो बीएसएफ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे हालात में जब तक पुलिस को इत्तला दी जाती या उन्हें साथ लेकर छापेमारी की जाती, तब तक देर हो जाती थी और मुल्जिमीन बच निकलते थे। वजारत दाखला ने यह फैसला बीएसएफ की ताकत बढ़ाने के लिए किया है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आने लगी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मरकजी सरकार के इस फैसले की मुखालफत की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं भारत सरकार के एकतरफा फैसले की सख्त मजम्मत करता हूँ। मरकज ने बैनुल अक्वामी सरहदों के साथ लगने वाले 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को इजाफी ताकतें दी हैं, जो फेडरल ढांचे पर सीधा हमला। मैं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से गुजारिश करता हूँ कि दलील से खाली इस फैसले को फौरन वापस लें। कांग्रेस के बाद इस फैसले की मुखालफत अकाली दल ने भी की। अकाली दल ने मरकजी सरकार के इस फैसले को इमरजेंसी से ही जोड़ दिया। देखो जेड़ा केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री का नवा फैसला आया कि पंजाब के कुछ होर सूबों के बीएसएफ नूं अधिकार दिते गए हैं कि 50 किलोमीटर तक वो पुलिस की तरह किसी नूं अरेस्ट कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये मैं समझदा कि सारी पंजाब स्टेट बीएसएफ के हवाले करन दा एक कोझा यतन और फैडरलिज्म दे जिहड़ा प्रिंसीपल है उन्हें बुरी तरह दे नाल नष्ट करन वाला जिहड़ा केंद्र सरकार का फैसला। इस फैसले का मैं विरोध करदा, केंद्र सरकार नूं इमीडिएटली इहनूं वापस लेना चाहिए। पंजाब के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ की जाँच का दायरा बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रवीन ठुकराल ने उनकी जानिब से ट्वीट करते हुए लिखा,
कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और नशीले अशिया पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में भेजे जा रहे हैं। बीएसएफ की बड़ी मौजूदगी और ताकतें ही हमें मजीद मजबूत करेंगी। मरकजी आर्म्ड फोर्सेस को सियासत में ना घसीटे। मरकजी सरकार ने सरहद से होने वाली दरअंदाजी और स्मगलिंग को कम करने के मकसद से बीएसएफ की ताकतें बढ़ाई, लेकिन हिजब इख्तलाफ ने सरकार के इस फैसले पर मुखालफत दर्ज कराई और आने वाले वक्त में इस फैसले पर एहतजाज की आवाज और तेज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।